हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबी मम्मा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ट्विंस प्रेगनेंसी में हलचल को लेकर। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मेरा चौथा महीना हो गया है, अभी तक हलचल महसूस नहीं होती है। कोई कहता है मेरा पांचवा महीना हो गया है, तो कोई बोलता है मेरा सिक्स मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं, तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि मुझे जो हलचल महसूस होना स्टार्ट हुई थी वो लगभग साढ़े पांच महीने के बाद स्टार्ट हुई थी, वो भी बहुत ही ज्यादा स्लो। इसका रीजन था कि मेरा जो प्लासेंटा था वो एंटीरियर प्लासेंटा था। एंटीरियर का मतलब होता है कि प्लासेंटा जो था पेट की तरफ था, मतलब आगे की तरफ था, और जो बेबी थे वो पीछे की तरफ थे। तो जब प्रेगनेंसी में प्लासेंटा की एंटीरियर कंडीशन होती है तो हलचल जो है बहुत ही लेट महसूस होती है, क्योंकि सीधी सी बात है जो प्लासेंटा जो पेट के पास में, तो बच्चे पीछे हैं, तो बच्चे जो भी हलचल करते हैं तो डायरेक्ट जो है पेट से नहीं टकराता है, तो इसलिए हमको बहुत ज्यादा लेट महसूस होता है। और जिन महिलाओं का जो प्लासेंटा होता है पोस्टीरियर होता है, तो उनको बहुत जल्दी हलचल महसूस होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पोस्टीरियर का मतलब होता है प्लासेंटा जो होता है वो पीठ की तरफ रहता है और जो बेबी होते हैं वो पेट के पास में रहते हैं। तो जिस वजह से आपने सुना भी होगा, कुछ महिलाएं कहती है कि मुझको तीसरे महीने से स्टार्ट हो गई थी हलचल महसूस होना हल्की हल्की, कुछ बोलती है मुझको पांचवें महीने से शुरुआत में ही स्टार्ट हो गई थी हल्की हल्की, तो इसका मेन रीजन ये भी होता है। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगर आपने तीसरे महीने में अल्ट्रासाउंड करवाया है, बच्चा बिल्कुल ओके है, और मतलब उसकी FHR वगैरह सब कुछ बिल्कुल ओके है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अगर आपको पांचवें महीने के स्टार्टिंग में नहीं महसूस हो रही है या लास्ट में नहीं महसूस हो रही है, तो आप इंतजार करिए छठवें महीने के स्टार्टिंग में आपको महसूस होने लगेगी। और आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ट्विंस प्रेगनेंसी में हलचल जो है शुरुआत में बहुत ही कम पता चलती है, बहुत ही धीरे से पता चलती है, क्योंकि दो दो बेबी होते हैं तो इसलिए इतनी जगह भी नहीं रहती है, जिस वजह से हमको जो है अच्छे से समझ में नहीं आता है शुरुआत में। और जैसे जैसे बेबी बड़े होते हैं तो हमको बिल्कुल क्लियर समझ में आने लगता है। तो अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है वो भी पहली बार में है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चा हलचल करता है बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कुछ उला हो हल्का सा, एक अलग ही तरीके का होता है, बिल्कुल हल्के से, को समझ में नहीं आएगा कि बच्चे ने हलचल की या फिर बस ऐसे ही अपने आप हो गया है। ठीक है, आप थोड़ा सा अच्छे से महसूस करने की कोशिश करें। और जो हमारे बेबी होते हैं वो ज्यादातर हलचल कब करते हैं, जब हम ज्यादातर काम में बिजी रहते हैं या फिर हम आराम करते हैं या फिर हम सो जाते हैं, तो बेबी ज्यादातर हलचल करते हैं। तो आप उस समय जब आप आराम करें तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें, बिल्कुल हल्की सी होगी जो आपको बहुत ही ध्यान से समझनी होगी, क्योंकि पहली बार में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो हलचल तो होती है पर हमको समझ में नहीं आता है। और अगर आपको छठवें महीने के स्टार्टिंग में भी हलचल बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है, ध्यान से महसूस करने के बाद में भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और कुछ बच्चे क्या रहते हैं कि बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं सात साढ़े सात महीने के बाद भी, तो वो भी हलचल करते हैं लेकिन उनकी इतना ज्यादा पता नहीं चलती है। और कुछ बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा उछलते हैं, और कुछ बच्चे जो है बहुत ज्यादा आलसी टाइप में होते हैं, तो इस वजह से भी वो बहुत कम हलचल करते हैं, जिस वजह से हमको पता ही नहीं चलता है। और आप जो है स्टार्टिंग के मंथ में थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें, लेकिन जैसे ही आपका सात साढ़े सात महीना लगेगा, आठवां महीना लगेगा, वैसे आपको हलचल जो है बिल्कुल क्लियर होने लगेगी। आपको बिल्कुल भी बहुत ज्यादा हलचल को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि उनकी पहले स्टार्ट होगी मेरी नहीं स्टार्ट हो रही। जैसा कि मैंने अभी आपको क्लियर किया कि एक रीजन प्लासेंटा की पोजीशन भी होती है, जिस वजह से कुछ महिलाएं जल्दी महसूस करने लगती हैं, कुछ महिलाएं बहुत ज्यादा लेट महसूस करती हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपका बेबी बिल्कुल नॉर्मल है तो आप बिल्कुल इंतजार करें पांच साढ़े पांच महीने तक, छठवें महीने के शुरुआत तक। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप इस केस में बिल्कुल भी वेट ना करें, आप तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आप बिल्कुल इंतजार करें और थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश जरूर करें। बस आपको पांचवें और छठवें महीने में ही थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, उसके बाद में तो फिर आपको खुद ही दूर बाद में जैसे ही आप लेटेंगी या बैठेंगी तो आपको अपने आप ही पता चलने लगेगी। ठीक है, और एक डाउट और आपका दूर कर दूं, वो है कि मुझे हलचल कहाँ महसूस होती थी, तो मुझे जो स्टार्टिंग के मंथ थे फिफ्थ और सिक्स, तो उसमें ज्यादातर लेफ्ट साइड में होती थी, और उसके बाद में मुझे जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ा सातवां आठवां महीना, तो मुझे जो है नाभि के नीचे स्टार्ट हो गई थी हलचल महसूस होना, और मुझे पूरे पेट पे हलचल नहीं महसूस होती थी, एक ही जगह पे ज्यादातर होती थी। और एक डाउट और आपका दूर कर दूं कि मेरे जो ट्विंस है वो दोनों बेबी बॉय हैं। और आप एक चीज और नोटिस करिएगा कि जब आप खाना खा के आराम करने बैठेंगी तब आप थोड़ा सा
ध्यान रखिएगा कि जब भी बेबी हलचल करता है और जैसे ही हमारा छठवां या सातवां महीना लगता है तो जब भी बाहर कोई बहुत तेज आवाज होती है तब बेबी हलचल करता है और बाहर से उसको कोई भी पेट पे रोशनी पड़ती है तब बेबी हलचल करता है, तो आपको बस ध्यान से समझना है। आप देखेंगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो आप जब आप कुछ मीठा खाती है उसके बाद भी बेबी हलचल जरूर करता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से जरूर समझें। और आप एक चीज और देखिएगा कि जब आप आराम करें तो आप अपने पेट पे जो है अच्छे से हाथ को प्यार से फैलाएं तो आप महसूस करेंगे कि आपका बेबी हलचल जरूर करेगा, क्योंकि बेबी जो होता है वो अपने माँ के स्पर्श को अच्छे से समझने लगता है पेट के अंदर ही। तो आप जब भी फ्री हो तो एक बार ये जरूर ट्राई करें तो आप जरूर देखेंगे कि बेबी हलचल जरूर करता है। मेरे साथ तो ऐसा होता था। और अभी भी आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।